मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर विधानसभा से बीजेपी विधायक सुमित्रा कासडेकर इस बार फिर 10वीं की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी। उन्होंने अपनी 21 साल से अधूरी छूटी पढ़ाई को पूरी करने के लिए 10वीं की परीक्षा का फॉर्म तो भरा था, लेकिन एंड मौके पर परीक्षा ना देने के कारण उनका ये सपना अब कम से कम एक साल के लिए टल गया है। दरअसल बीजेपी विधायक ने करीब 21 साल पहले अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी और पढ़ाई पूरी करने के लिए ही उन्होंने इस बार 10वीं का फॉर्म भरा था। उन्हें परीक्षा केंद्र बुरहानपुर का शासकीय सुभाष उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल मिला है। यहां वे अन्य विद्यार्थियों के साथ सामान्य छात्रा के रूप में परीक्षा में शामिल होने वाली थी, लेकिन ऐसा हो न सका। दरअसल हुआ यूं कि वो विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के कारण परीक्षा में बैठ न सकी। बता दें कि प्रदेश में 1 मार्च से 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। बीजेपी विधायक कासडेकर भी बजट सत्र में शामिल हो रही हैं। इसी वजह से वो अपनी 10वीं की परीक्षा के पेपर को नहीं दे पाई। परीक्षा नहीं दे पाने को लेकर विधायक सुमित्रा का कहना है कि अभी विधानसभा का सत्र है, इसलिए परीक्षा नहीं दे पाई हूँ। क्या करें, अगली बार देखेंगे। यहाँ बजट सत्र में रहना भी काफी जरूरी है। ये 1 महीने का सत्र होता है, 27 मार्च तक चलेगा। हालांकि बीच में मैं नेपानगर जरूर आऊंगी। बता दें कि सुमित्रा कासडेकर का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सीमाडोह में 15 अगस्त 1983 में हुआ था। स्कूल के दस्तावेजों में उनका नाम बाली सेमलेकर दर्ज है। सुमित्रा उनका जन्म का नाम है। उन्होंने 8वीं तक शिक्षा प्राप्त की है। गांव में स्कूल नहीं होने के कारण इसके आगे की पढ़ाई वो ना कर सकी। शादी के बाद भी उनकी पढ़ने की इच्छा रही, लेकिन जिम्मेदारियों के कारण वे इसको पूरा नहीं कर पाई। हालांकि इस बार उन्होंने पूरी तैयारी की थी, लेकिन सत्र के चालू होने के कारण फिर उनकी परीक्षा अधूरी रह गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।